सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण भगवान की जन्म कथा। तो सबसे पहले बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधिका जी की जय, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। माना जाता है कि जब धरती दुष्टों के बढ़ते अत्याचारों से परेशान हो गई तो भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु ने धरती को आश्वासन दिया कि वे पृथ्वी पर स्वयं अवतरित होंगे और उनके कष्टों का निवारण करेंगे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उस शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आत्ताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न आठवां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हो गया। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा कि मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, बहनोई को मारने से तुम्हें क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। बीच नारद मुनि ने कंस से भेंट की और उसे और विचलित कर दिया कि क्या पता कौन सी संतान उसके विनाश का कारण बने। यह सुनते ही कंस ने यह तय कर लिया कि वह देवकी और वसुदेव की सभी संतानों को मार डालेगा। वसुदेव देवकी की एक एक करके सात बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब आठवां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख आठवें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कोई नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवानों के चरणों में गिर गए। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। गोकुल मंडल के मुखिया नंद और उनकी पत्नी यशोदा भी उनके कष्टों से बहुत दुखी थे। देवकी और वसुदेव के सातवें पुत्र को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। यह भी भगवान विष्णु की माया ही थी। रोहिणी नंद और यशोदा के साथ ही वृंदावन में रहती थी। उस बच्चे को बाद में बलराम के नाम से जाना गया। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। उधर वृंदावन में यशोदा भी गर्भ से थी। तुम इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में मुझे भेज जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी चिंता ना करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफंती अथहा यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथहा यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वसुदेव ने वैसा ही किया जैसा उन्हें भगवान विष्णु ने करने को कहा था। जैसे ही देवकी ने नन्हे कृष्ण को जन्म दिया, वसुदेव उन्हें एक टोकरी में रख वृंदावन के लिए निकल पड़े। वह दिन अलौकिक था। सारे कारागार के पहरेदार सो रहे थे। यमुना नदी में भयंकर तूफान था। जो ही वसुदेव यमुना को पार करने लगे, नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। उस समय तूफान और बारिश के बीच नन्हे कृष्ण की रक्षा के लिए शेषनाग भी पहुंच गए। वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। भगवान स्वयं पृथ्वी पर आए थे दुष्टों के दमन के लिए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है।
उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा, तेरा अंत अब समीप है। यह सुनकर कंस बौखला गया, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने वृंदावन के सभी नवजात बच्चों को मारने के लिए दैत्य भेजे। कंस ने श्री कृष्ण के वध के लिए पूतना राक्षसी को भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वे कृष्ण को गोद में लेकर घर से थोड़ी दूर निकल गई। जैसे ही उसने नन्हे कृष्ण को स्तनपान कराया, वह दर्द से कराहने लगी और बचाओ बचाओ चीखने लगी। जब तक गांव वाले वहां पहुंचते, पूतना का वध हो चुका था। नन्हे कृष्ण की उस लीला को कोई भी समझ ना पाया। उन्हें सब एक नन्हे बालक के स्वरूप के रूप में ही देखते थे। लोगों को यह कभी नहीं लगा कि नन्ना सा बालक एक राक्षसी का संहार भी कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किए बिना उनके जन्म की कथा तो अधूरी है। उन्हें प्यार से माखन चोर भी कहा जाता है। मक्खन उन्हें बहुत प्रिय था और उसे चुराकर खाने से जैसे उनका स्वाद दुगना हो जाता था। वृंदावन की सभी औरतें मक्खन को कृष्ण और उसके सखाओं से डर से छुपा कर रखती थी, परंतु वो भी कम कहाँ थे। चाहे जितनी भी दूर हो माखन, वो हांडी ढूंढ ही लेते थे। सारा वृंदावन कृष्ण की माया में डूबा हुआ था। हर कोई प्रेम और सुख से जीवन व्यतीत कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने बालक के रूप में कई लीलाएं रची और बड़े बड़े दैत्यों और दानवों का वध किया। भगवान कृष्ण ने 16 वर्ष की उम्र में कंस का भी वध कर दिया और उनके पिता और अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राज्य घोषित किया। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधिका जी की जय, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय, लड्डू गोपाल की जय। जन्माष्टमी के दिन हमें चावल और जौ से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए और इस दिन भूलकर भी गाय पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। राधे राधे।